देख ही रहे होंगे एलांटे मॉल के लिए दिखाते हैं जो भी दिखता है आपको। टॉप से दिखाता हूँ कितना सुंदर लग रहा है ऊपर से देखने में। आप देख लो ये है पूरा व्यू, टॉप का व्यू पूरा। बटरफ्लाई पार्क है, हॉर्स बना रखे हैं इसमें, देख रहे हो आप कितना बड़ा है ये मॉल। ये है एलांटे मॉल इन चंडीगढ़, आपने देखा ही होगा बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा मॉल है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। तो आपको दिखाते हैं ये मॉल में क्या क्या है, क्या क्या विशेष। एलांटे मॉल आप देख सकते हो मॉल के अंदर कितना सुंदर दिखा है एलांटे, अच्छी अच्छी डेकोरेशन की गई है हॉल के अंदर, बहुत प्यारा लग रहा है देखने में। आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ये पूरा नज़ारा है एलांटे मॉल का, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखने में लग रहा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जिस तरह से ये बनाया गया है ना, वाओ बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? आज बैठ के अभी आप सफर दिखाते हैं क्या क्या शिमला भी आएगा, शिमला के नज़ारे भी दिखने को मिलेगा। बस रुकी थी 5-10 मिनट के लिए तो मैंने एक फ्रिज की बॉटल ली और इसका पैक रास्ते के लिए। अभी तो मैं सोलन भी नहीं पहुँचे, सोलन में भी अभी पहुँचने वहाँ पर आ रहा तो शिमला पहुँचने में 2 घंटे और लगे, तो सफ़र चल रहा है बस में। अभी हम ऑलमोस्ट शिमला बस स्टैंड पहुँचने ही वाले हैं, कौन सी गए 2 मिनट और लगे हैं तो हम शिमला बस स्टैंड पहुँच जाए। तो यहाँ से मुझे और एक बस लेनी पड़ेगी रामपुर के लिए, तो इसलिए मुझे 5 घंटे का भी मेरा दिन रहेगा, ये पूरा ही ट्रैवलिंग पे है, तो पूरा ट्रैवलिंग करना फिर उसमें फाइनली जाके घर पहुँचेंगे। जब शाम के 9 बजे तक घर पहुँचते पहुँचते तो आपको बस बीच में नज़ारे दिखाते रहेंगे और बने रहो वीडियो के साथ, इन्जॉय करो। अभी थोड़ा शिमला का भी नज़ारा दिखाते हैं, बस स्टैंड दिखाते हैं, दिखाते हैं शिमला। गाइस मुझे भूख लगी थी, मैं पराठा मंगाया हूँ और चाय आ रही है, शिमला बस स्टैंड पे बैठ के खाना खा लेता हूँ फिर निकलेंगे यहाँ से। चाय भी आ गई, चाय है ये पराठे हैं, अच्छा मज़ा आएगा खाना खाते हुए। तो अभी बस इसे ख़त्म करके फिर निकल, चाय और पराठा मंगाया था, चाय पी रही अभी, बड़ी टेस्टी है चाय, ठंडा आएगा सभी पीछे। शिमला का बस स्टैंड 3 बजे मेरी बस है, खा के नहीं बस में।